हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल M18। तो गाइस, आज हम लद्दाख राइड शुरू करने जा रहे हैं। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, न्यू चैनल है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये लद्दाख राइड मैं स्प्लेंडर पर करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं 100 cc बाइक से लद्दाख राइड हो पाती है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें गुरदासपुर जाना है, वहाँ से हमारे दो फ्रेंड हमारे साथ जुड़ेंगे, तो वहाँ से हम लद्दाख राइड हमारी शुरू करेंगे। तो हम गुरदासपुर पहुंच चुके हैं और हमारे फ्रेंड्स भी आ चुके हैं, तो हमने लगेज जो है बाइक पर माउंट कर लिया है अच्छे से। तो अब यहाँ से हम अपनी लद्दाख राइड शुरू करते हैं। गाइस, गुरदासपुर से हम थोड़ा आ गए तो वहाँ पर ट्रकों का इतना जाम लगा हुआ था, तो बाद में हमें पता चला कि वो जो ट्रक का जाम था वो उन्होंने कानबाई बंद की थी कश्मीर जाने के लिए, तो इस वजह से इतने ट्रक्स का जाम था ना, सब ट्रैफिक उन्होंने बंद करके रखा था। तो हम वहाँ से, उन्होंने बाइक्स वालों को जाने दिया, तो हम वहाँ से निकल कर अपनी जर्नी बिगिन कर सके। गया फ्लाईओवर के ऊपर, देखते हैं कितना ट्रैफिक जाम हो रखा है। तो ये सब कानवे बंद होने के कारण हुआ है, तो वो बाइक वालों को कुछ नहीं कर रहे, उनको जाने दे रहे हैं, तो हमारे लिए इजी होगा, हमारा ट्रिप आज का दिन लेट नहीं होगा, तो हम आराम से राइड कर सकते हैं आज का दिन। गाइस, हम लखनपुर पहुंच चुके हैं, तो अभी हमें चाय के लिए ब्रेक लेनी है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर अपने चाय के लिए ब्रेक लेंगे, जहाँ पर अच्छी सी जगह होगी। हमने यहाँ पर ब्रेक ली है ब्रेकफास्ट के लिए। ये हम कठुए से कुछ 10 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। ये एक ढाबा है, पंजाबी वैष्णो ढाबा। तो अब यहाँ से ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं कश्मीर के लिए। उधमपुर से थोड़ा सा पीछे हमने यहाँ पर ब्रेक लगाई है रिफ्रेशमेंट के लिए, और इसके साथ बाइक्स को भी रेस्ट मिल जाएगी, तो अब और हम पैनल निकाल सकेंगे आगे।
तो गाइस हमारे राइड की फर्स्ट टनल आ चुकी है। तो इस टनल का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद टनल। तो गाइस टनल से बाहर निकलते ही इतना ठंडा मौसम था। इस साइड पिछली साइड इतना ठंडा नहीं था, इधर बहुत ठंडा था। तो आप सामने नज़ारे देख सकते हैं कितने खूबसूरत है। इस टनल से थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पर ट्रकों का फिर जाम देखने के लिए हमें मिला। तो यहाँ पर ट्रक्स की बहुत ज़्यादा लाइन लंबी थी, बहुत आगे तक ट्रक लगे थे और यहाँ पर डस्ट भी बहुत थी। जब ट्रक चल रहे थे तो डस्ट बहुत पड़ रही थी, पर फिर भी हमने यहाँ से जल्द निकाला अपनी बाइक और आगे निकल गए ट्रकों से। गाइस यहाँ पर रोड्स कंस्ट्रक्शन हो रहे थे और हमारे ऊपर इतनी डस्ट पड़ चुकी थी। आप देख सकते हैं आगे ट्रक और कोई भी गाड़ी चलते तो बहुत डस्ट हमारे ऊपर पड़ रही थी। और बाय द वे आप जो रिवर देख रहे हैं राइट साइड में, ये सिंध रिवर है जो पाकिस्तान में जाती है। तो गाइस कश्मीर के रास्ते में एक ऐसी जगह आती है जो बहुत डेंजरस है। तो यहाँ पर हमेशा पत्थर ऊपर से गिरते रहते हैं पहाड़ पर से। तो यहाँ बहुत लोगों की जाने भी गई हैं इसके साथ। तो इस जगह को उन्होंने नाम दिया है खूनी नाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टनल भी अभी कंस्ट्रक्ट हो रही है। अगर ये टनल कम्प्लीट हो गई तो वो चीज़ बाईपास हो जाएगी, यहाँ से हम सीधे निकल जा सकते हैं। तो अभी मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जहाँ से हम टर्न लेंगे तो सामने होगी। तो ऐसा आप देख सकते हैं सामने वो जगह आ चुकी है। अभी वहाँ पर उन्होंने शेल्टर बना दिया ऐसे लकड़ी के साथ कि अगर ऊपर से पत्थर आए तो सीधे नीचे खाई में गिर जाए, गाड़ी के ऊपर ना गिरे। तो ये थोड़ा सेफ्टी के लिए उन्होंने बना दिया है। तो गाइस आप सामने देख सकते हैं मेरे एक ट्रक जा रहा है जो बहुत डस्ट उड़ा रहा है। तो जब भी आप कोई राइड करें तो हेलमेट के नीचे से मास्क जरूर वेयर करें कि आपके फेस पर डस्ट ना पड़े। तो गैस हमको रात पड़ चुकी है यहाँ पे और यहाँ से बनिहाल थोड़ी दूर है। तो हम सोच रहे हैं कि आज रात बनिहाल में रुक लें, सुबह निकल जाएंगे कश्मीर के लिए या सोनमार्ग के लिए। और देखते हैं बनिहाल में हम रूम लेते हैं या कैंपिंग करते हैं। तो आपको आगे बताते हैं ब्लॉग में। तो गैस हम बनिहाल पहुँच चुके हैं और यहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा लेट हो गए हम। तो सोचा आज कैंपिंग कर लेते हैं। तो कैंपिंग के लिए हम जगह ढूंढ रहे हैं, तो वो जगह ढूंढ के हम कैंपिंग करेंगे आज। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो कल हम कश्मीर या सोनमार्ग जाएंगे तो उसका ब्लॉग आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए मिल जाएगा। तो भैया आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये तो लद्दाख राइड है, आगे बहुत सारी राइड होंगी और प्रॉपर मोटो ब्लॉग के साथ होंगी। ये तो अचानक ही ट्रिप बन गया तो ऐसे ब्लॉग करना पड़ा मुझे। नेक्स्ट जब भी कोई ट्रिप या राइड होगी तो प्रॉपर ब्लॉग होगा, मोटो ब्लॉग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।